Hi, I'm Manish Paul, and welcome to a brand new episode of MTV Web. Teen years, hamari life ka best time hota hai. They're called the wonder years. But with all the fun and games, teenage is also the time jab hum apne aap ko theek se samajhna shuru karte hain. We figure out who we are, what are we made of. Bahut se sawal hote hain. बट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे टीनेजर्स को चाहिए है गाइडेंस, एक ऐसा हाथ जिसे पकड़ के वो जिंदगी का सामना कर पाए बिना किसी डर के, अ पर्सन हु दे कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स एंड लाइफ फ्रॉम. और अगर इस क्रूशियल टाइम में दे फाइंड देमसेल्व्स अलोन, दे ऑफन टर्न टू द इंटरनेट, अ प्लेस विद ऑल द आंसर्स. पर क्या ये सही सोल्यूशन है? This is a story about a brother and a sister and how their lives changed because of one mistake on the web. Sarthak, neebu pani le aaya beta. Papa. पापा, मैं सार्थक नहीं, अंकिता हूं. हा? अंकिता सार्थक कहाँ है? बुलाओ ना उसे, बात करनी है. सार्थक जो आप सबकी तरह एक बहुत स्वीट लड़का था, उसकी ना एक स्माइली काफी थी किसी को भी अपना फैन बनाने के लिए. इट वाज जस्ट ऑसम. And just like all of you guys, he was very good at sports, studies, सब में बहुत अच्छा था. कभी भी किसी के साथ misbehave नहीं किया. Just like you guys, मेरे सार्थक के भी कुछ सपने थे. हाय पापा. कहाँ गया था? बाहर गया था पापा. क्रिकेट खेलने गया था ना? हाँ, बट पापा सुनो ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना तो आज मैं लास्ट मैन बचा. ट्यूशन गया? ट्यूशन पापा कल जा रहा हूँ मैं वैसे, लेकिन सुनो ना, लास्ट मैन था मैं. Enough of your cricket, Sarthak. Now get back to your books. Exams हैं, okay? पढ़ाई कर लूँगा पापा, लेकिन वो स्ट्रेट ड्राइव जो मैंने खेली ना वो मेरा नींबू पानी. नींबू पानी ले. ओए चैंप, कैसा? हेलो अंकल. यार क्या तुमने क्या शॉट मारा यार, स्पॉट पे छक्का सीधा. तुम तो हमारी इज्जत बचा दी यार. पर ये किसने एक्सपेक्ट किया था कि 6 रन एक बॉल में? हाँ, चार रन चाहिए तो तूने सिक्सर. पापा की एक्सपेक्टेशंस और दीदी के बिजी स्केड्यूल के बीच सिड वाज द ओनली पर्सन जिससे सार्थक को वो अप्रिसिएशन, वो अटेंशन मिला जिसकी उसे बहुत जरूरत थी. सिड बिकेम सार्थक्स हीरो, हिज बेस्ट फ्रेंड. अभी आराम से यार, पता है सेकंड हैंड है, बट लखनऊ में तो नहीं लगनी चाहिए ना. अभी बिल्कुल नहीं. आखिर
लखनऊ वाले को भी पता चले कि कानपुर क्या चीज है, समझा? बस यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पूरा हो जाए फिर तो बस इंटर्नशिप पक्की। और तुझे पता है आजकल इंटर्नशिप में तो 10-12 हज़ार तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो फिर कानपुर को हमेशा के लिए टाटा? अबे नहीं यार पगले, कानपुर तो मेरी जान है। और वैसे भी तुझ जैसा मुझे थोड़ी ना मिलेगा कोई लखनऊ में। सिड के जाने की न्यूज ने सार्थक को बहुत डीपली इफेक्ट किया। He couldn't understand the feeling himself. But the thought of Sid no longer being around hit him hard. तू समझ नहीं रहा था यार, मैच अपने हाथ में थी। I mean, come on यार, एक दो ओवर तो और टिक जाता। यार मैच अपने हाथ में थी, तूने देखा नहीं, मैच वॉज सो क्लोज। पर तेरा वीक पॉइंट है कि यार बाउंसर शॉर्ट बॉल तू कैसे नहीं खेल पाता। तुझे कितनी बार मैंने दिखाया, ये देख सिंपल, बॉल आया बाउंस हुआ और ये घुमाया और रिस्ट नीचे हुआ रोल किया जो कि तूने नहीं किया। अब तू ट्राई कर, ये देख तेरी पोजीशन देख कैसी है, ये देख एल्बो आउट, तेरी पोजीशन देख फेस स्ट्रेट, हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रिप और बैक स्ट्रेट, हाँ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉल, ये आया बाउंसर और ये घुमाया और ग्रिप नीचे खत्म, परफेक्ट। देखा तूने, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट शॉट। अगर तू ऐसे, ओश मैन, यार ये बारिश भी ना कभी भी आ जाती है। खड़ा क्या है, चेंज कर, नहीं तो रात भर छींकता रहेगा। ये ले। चल यार फिर मैं निकलता हूं। किधर? घर। घर? अरे पागल है क्या, इतनी रात को बारिश में? अरे अब तक तो सारी सड़क में पानी भर गया होगा। ठीक है रह जाता हूं। सार्थक वॉज अशेम्ड। लाइफ में शायद पहली बार सार्थक हैड टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिज सेक्सुअलिटी।
सिड की तरफ उसका अट्रैक्शन वॉज एज इनोसेंट एज एनी टीनेजर्स फर्स्ट क्रश. ही बिलीव्ड ही वॉज इन लव विद सिड. और ऐसे में विद सिड स्पेंडिंग सो मच टाइम विद हिम, सार्थक को लगा कि शायद सिड भी उसके बारे में वैसा ही फील करता है. ही फेल्ट कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड अबाउट द रिजेक्शन. सार्थक वांटेड टू टेल सिड हाउ इंपॉर्टेंट ही रियली वाज टू हिम. इट वाजंट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन. But it didn't happen, seriously. No. What I'm trying to tell you is, कि संधाग वहाँ पे था, but things didn't happen. I'm telling you. Same. बोल, क्या है? Saint वो. इधर क्यों आया? रात जो हुआ उसके बाद भी तू यहाँ पे आ रहा है? हाँ? अरे तू तो दोस्ती के लायक भी नहीं है. तू क्या बोल रहा है? ये क्या है? कार्ड? मैं तेरे साथ हूँ? हाँ? तेरी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? तू मुझे कार्ड देगा? ये ले तेरा कार्ड. सेंट लेकिन ओए तुझे बोला ना जाने के लिए. हाँ समझ में नहीं आता? Sarthak was devastated by Sid's reaction. He felt shattered. He was losing his hero, his best friend. Sid, वो एक लौता इंसान जो उसमें believe करता था. He wanted Sid back in his life, at least as a friend. क्या हुआ इतना चुप क्यों है? स्कूल में कुछ हुआ क्या? नहीं दी. तो फिर क्या हुआ बताना. अब ऐसे चुप रहेगा तो निकल, मुझे बहुत काम है. अगर किसी से कोई गलती हो गई है और उस गलती का एहसास भी हो गया है और गिल्टी भी लग रहा है लेकिन पता नहीं कि उसे ठीक कैसे किया जाए तो क्या करना चाहिए? बस इतनी सी बात. अच्छा सुन, देखो अगर देखो लगता है ना कि तुझे कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है और तुझे उसका रियलाइजेशन भी है तो इतना सोच क्यों रहा है यार? जस्ट गो अप टू दैट पर्सन, से सॉरी, कन्फेस योर फॉल्ट. और अगर वो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना तो तुझे जरूर माफ करेगा. ट्रस्ट मी, इतना मत सोच, जस्ट गो. समझा बुद्धू कि नहीं? सार्थक took अंकिता's advice. No matter what had happened, वो सिड और अपनी फ्रेंडशिप को बचाना चाहता था. Since Sid had already moved to Lucknow, he decided to apologize with an email. ये सोचते हुए कि शायद सिड उसे अंडरस्टैंड करे, उसको माफ करे और फिर से ये दोनों एक बार दोस्त बन जाए. कोई तो मेल आ जाए सिड से. न्यू मेल 0. हे सिड,
Why haven't you mailed me back? What's up? Miss you. ये तो अंकिता दीदी का लॉगिन, लॉग ऑफ करना भूल गए। नाइस हैंडल, हाउ स्वीट। हे अंकिता का चैट विंडो ओपन देख के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सार्थक बिगैन चैटिंग एज हर। Such a harmless thing to do, right? Yeah, shayad nahi. What's your name? Sar... Tumhara name kya hai, Ankita? Because I'm a jasus. Nahi yaar, tumhari profile mein hai. No. I am Sarthak. LOL, Sarthak equals to boy. I am a boy. Yeah, right. Swear. Why are you chatting with me? You chatted first. I thought you were a girl. Sale, you're a perv. Tu hai kaun? Apna address bata, wahi aake tujhe chat karna sikhata hu. Oi, tu mere room mein kya kar raha hai? Ho. Dikh raha hai? Are nahi di, main chatting kar raha hai. Baithna. Kiske sath kar raha hai? Ladki ke sath? लड़के के साथ? अच्छा, तेरा वो बॉयफ्रेंड क्या नाम था उसका? सिड। व्हाट कॉल है, कहाँ? सिड मेरा दोस्त है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मान लिया यार तेरा दोस्त है, देखी थी उस दिन मैंने तुम लोगों की फ्रेंडशिप, कैसे फ्रेंडली तरीके से बैठे थे, चिपक चिपक के। सीरियसली यार, बिल्कुल तेरा फ्रेंड लग रहा था। क्या हुआ, अब ऐसे लुक्स क्यों दे रहे है? अच्छा चल ठीक है यार, ठीक है जिसे बात करनी है कर, लड़का हो या लड़की, हाँ से भाई क्या। सार्थक वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज सेक्सुअलिटी, और ये कंफ्यूजन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। सार्थक हैड टू ट्राई हार्ड टू फिट इन फॉर द सेक ऑफ द पीपल अराउंड हिम, एंड देन ही फाउंड द परफेक्ट स्पेस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, द इंटरनेट। एक ऐसी जगह जहाँ ही कुड हाइड बिहाइंड अ वेल एंड बी हिमसेल्फ एट द सेम टाइम विदाउट बींग जज्ड। इट गेव हिम फ्रीडम टू इंट्रैक्ट विद हूएवर ही वॉन्टेड टू, बिकॉज ऑन द नेट ही कुड बी हूएवर ही वॉन्टेड टू बी, इवन अ गर्ल। अर्जुन रॉक्स, यू आर सो क्यूट। How do you know? I can guess the way you chat. Really? Put your real picture now. Show me how you look. Why should I? So I can also be after you. Come on, you don't have a boyfriend. Boyfriend? समझ में नहीं आता। Drop it. Let's talk about something else. बॉयफ्रेंड
बहुत टाइम के बाद सार्थक फेल्ट क्लोज टू समवन अगेन. अर्जुन, जिसे लग रहा था कि वो किसी लड़की के साथ चैट कर रहा था, द एंटायर फ्रेंडशिप वॉज बेस्ड ऑन अ ह्यूज लाई. Are you ugly? No. Then why can't you send me pic? You don't trust me. You are special to me, but I'm not to you, so this can't happen. Don't chat with me again. Don't do this, please. I asked you for one pic, just one pic. You can give your friendship up over one pic. My pics. Take photos. Me.